राष्ट्रीय दंगल होता है, आज उसका शुभारंभ माननीय उपमुख्यमंत्री सब जी कर रहे हैं और ये शाम को 5 बजे तक चलेगा, जिस पर राष्ट्रीय स्तर के बहुत पहलवान आए हुए हैं। उसके पहले यहाँ यज्ञ होता है और उसको सबका भोजन होता है। दंगल होने कुछ विशेष अलग से क्या? मैंने बताया पिताजी चूंकि हमारे पहलवान थे और पूरा बुंदेलखंड नहीं प्रदेश स्तर के पहलवान थे, मेरे बाबा जी पहलवान थे तो उन्हीं की याद में मैं दंगल कराता हूँ। काफी जगह जीता हुआ जैसे अभी आप ये पैसे लिए हुए हैं? हाँ जी। ये मिले हुए हैं? विधायक जी दिए। हाँ जी जी जी। कितना मिला? मिल गए 4-5 सौ। घर से आए? किसको हराया आपने? दिनेश घाटम। कितने दिन से आप पहलवानी कर रहे हैं? 5 साल के बाद अभी तक पहलवानी कर रहा हूँ। अभी तक मैं आपको कहाँ कहाँ? हाँ, मैं शिमला, कश्मीर, नेपाल, बिहार, सगल कुछ, हिमाचल सगल कुश्ती लड़ा है अपने माता पिता के आशीर्वाद से। सौ कुश्ती लड़ा तो 3 कुश्ती हार जाता हूँ, बाकी 97 कुश्ती जीत जाता हूँ माता पिता के आशीर्वाद से। जब जीतते हैं तो कैसा लगता है और जब हारते हैं? खुशी होती है जीतने में, हर किसी को खुशी होगी जब कोई जीतेगा। और जब हारते हैं तब? तो इतना दुख नहीं होता, ये तो खैर रोज का काम है, हार जीत लगी रहती है। जब 2 जने उतरते हैं तो एक हारता है एक जीतता है। तो कब से लगता है ये दंगल? तो ज्यादा मालूम नहीं है मुझे। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 27 साल है। तो कितनी बार देख चुके? मैं 4-5 बार आ चुका हूँ। 4-5 साल से मालूम है, इसके पहले नहीं थी। तो हर साल ऐसे भीड़ रहते हैं? हाँ, इससे ज्यादा रहती है, कभी ऐसी भीड़ रहती है। साल में आते हैं? हर साल आती है। अच्छा लगता है दंगल? हमको बुलाते हैं। कौन बुलाता है? जिसका दंगल है भैरव नेता जी। तुम आती नहीं? हम कहीं आएंगे पिछले वर्ष में। तो यहाँ पर कब से हो रहा है ये दंगल? तो बहुत दिन से हो रहा है। कितने साल हो गए? तो हो गया 20-25 साल हो गया हो। लगता है कि लोकसभा के बाद विधानसभा और विधानसभा के बाद स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि जनता विकास चाहती है। केंद्र का प्रदेश से समन्वय हो और प्रदेश का स्थानीय सरकार से समन्वय हो, इसलिए हम लोगों ने उसी के नाम पर यहाँ पर वोट के लिए कहा है। और मुझे खुशी है कि हर जगह बड़ा सकारात्मक पक्ष बीजेपी के समर्थन में है।